Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक अनसुना रहस्य विभीषण ही नहीं रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी बताया था रावण की वध का यह राज। हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों या माता पिता से रामायण की कथा सुनते आए हैं तथा आज तक हमें सिर्फ यही पता है कि रावण की मृत्यु की वजह उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने ही श्री राम को अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, परंतु वास्तविकता में तो यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह कहानी की आधी हकीकत है, क्योंकि कहानी का आधा भाग रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण सहित उसके दो भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी तथा उन्हें प्रसन्न करा। जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण की इस वरदान पर असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने रावण को एक तीर दिया। वह कहा, यही तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने ब्रह्मा जी से वह तीर ले लिया तथा उसे अपने महल में ले जाकर सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान श्री राम तथा रावण का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर भी असर हो रहा था। रावण का सर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते तो रावण का एक नया सर स्वयं ही उत्पन्न हो जाता। भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का अब वध करना असंभव है, तब ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने रावण की मृत्यु का राज बताते हुए राम से कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत की एक कुटिया है जिसे ब्रह्मदेव के विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.